ये देखिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन ये सरकार अडानी अंबानी के चक्कर में इस देश की जनता को बर्बाद करना चाहती है, इस देश के नौजवानों को बर्बाद करना चाहती है, इस देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है। वो किसी की बात नहीं सुनती। आप जानिए, आप दो दिन के धरना प्रदर्शन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार हिटलरबाजी है, ये सरकार एकदम तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। तो इसीलिए हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं कि हम सादा तरीके से चलाएंगे और सरकार पे प्रेशर बना के ही रहेंगे, अपना काम करा के ही रहेंगे, बिल वापस करा के ही रहेंगे। मोदी सरकार क्या थका रही? मोदी सरकार थकाती रह जाएगी और मोदी सरकार खुद थक जाएगी। इस देश का नौजवान किसान मजदूर जब जागेगा तो तख्ता पलट हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना काल में 5 जून 2020 को उस समय यह बिल पास किया गया है जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा के इन्होंने सारा काम किया है, चोरी छिपे काम किया है, सदन में एमपीओ से राय नहीं लिया है, किसानों से कोई बात नहीं किया है। ये क्या थकाएंगे? ये झूठे लोग हैं, ये फराब लोग हैं, ये फरेब बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अब तो सदन में पास हो गया, सदन में पास हो गया तो क्या हुआ? लागू नहीं होने देंगे हम लोग। हम वापस करा के ही दम लेंगे, चाहे हम यहाँ शहीद हो जाए, चाहे हमें गिरफ्तार कर ले। हम गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने वाले नहीं है, हम छेड़ने वाले नहीं है, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम आंदोलन करके अहिंसात्मक आंदोलन से जिस तरह अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी तरह मोदी जी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आंदोलन में वो दम है, आंदोलन में वो दम है कि हम आंदोलन से इस सरकार को बदल सकते हैं। आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे। चाहे जो भी आंदोलन होगा, किसान आंदोलन सफल है और किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब कृषि बिल वापस होगा और एमएसपी लागू होगा। आज हम बधाई देना चाहते हैं टिकैत जी को कि कम से कम 84 दिन नहीं, 2 अक्टूबर तक हम लोगों की डिमांड है कि 2 अक्टूबर तक नहीं होगा तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। सफलता ये मानते हैं कि किसान आंदोलन में लगातार लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। सरकार इस बात को अभी नहीं मान रही है, मैं समझता हूँ, लेकिन सरकार एक न एक दिन, हम चूंकि अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं, हम गांधीवादी आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए सरकार को आज नहीं तो कल झुकना है। चूंकि ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहे सो करती रहे, चाहे जो भी सरकार ने पहले किया है उसी के आधार पर वो समझती है कि हम जितने भी आंदोलन को कुचल दिए, किसानों के आंदोलन को सरकार नहीं कुचल सकती, इसलिए कि इस देश का भगवान है किसान। चिराई से लेके, चुरुंग से लेके, पक्षी से लेके और पशु तक इसी अन्नदाता भगवान पे टिका हुआ है। और जो भी इंसान है वो भोजन ही करता है, इसलिए बिना अन्न का, बिना अन्न मन का कोई काम चलने वाला नहीं है। और सरकार चाहे जितना भी परेशान कर ले, हम मानने वाले नहीं हैं। हम मारेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम आंदोलन चलाते रहेंगे। हम अब तक सफल मान रहे हैं और आगे भी सफल मानेंगे। मेरा उद्देश्य 2 अक्टूबर तक है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और उसके पहले ही किसान आंदोलन समाप्त होगा और मोदी जी किसान बिल वापस लेंगे। देखिए, किसान आंदोलन में हम ही को अरेस्ट कर लें, किसी को अरेस्ट कर लें, ये किसान आंदोलन दबने वाला नहीं है। चाहे दिशा को अरेस्ट कर लें, चाहे यहाँ किसी को भी अरेस्ट कर लें, ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। जितने आंदोलन में लोग दबाएंगे, जितने अरेस्ट करेंगे, उतनी हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ 10-15 किसान रोज, मानो हर गांव से 15 किसान आने जाने का सिलसिला है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कहीं भीड़ नहीं है, कहीं है, तो ये जानिए कि दिन रात यहाँ लोग लगे हैं। एक ग्रुप जा रहा है तो दूसरे ग्रुप फिर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लगातार कंपेनिंग चल रही है और लगातार कंपेनिंग चलती रहेगी। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश अडानी और अंबानी के चक्कर में पड़ी हुई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितने बड़े मीडिया के लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन्हीं की ये सरकार है। ये कारपोरेट जगत की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। तो अर्णव गोस्वामी हो, चाहे इस देश के वो जो सिद्धू हो, जो झंडा फहराने का काम किए थे, आप ये भी जानते हैं कि वो भी मोदी जी के साथ ही उनकी फोटो थी। तो किसानों को तंग करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि राम मंदिर के मामले पर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को खरीद लिया था, इसलिए कि जो जजमेंट हुए उसमें
जो जजमेंट हुए उसमें सीबीआई क्या, सीबीआई ने अपने हाथ पीछे खींच लिया, जजमेंट इनके पक्ष में आ गया, तो पूरी व्यवस्था इनके हाथ में है। देखिए ऐसा नहीं है, उनकी सरकार जब से चली है, क्या आपको पता नहीं है कि जब पुरानी सरकार कांग्रेस की थी तो अन्ना का आंदोलन चलता था, आज वही अन्ना उनके गोद में खेल रहे हैं। आप नहीं जानते, कोई भी सरकार जब कोई काम नहीं करेगी, जनता के सवालों पर खरा नहीं उतरेगी, जब किसान परेशान रहेगा, मजदूर परेशान रहेगा, छात्र परेशान रहेगा, तो हम आंदोलन तो करेंगे। सरकार नहीं सुनते तो सरकार को सुनाने के लिए एक जरिया आंदोलन ही तो हमारे पास है। वो कहते हैं आप आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी इसलिए कहते हैं कि वो जब विदेश जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ भारत के लोग जब उनका जिंदाबाद लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं तो अच्छा करते हैं। आज जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में सिख समुदाय के लोगों ने, इन सिख समाज के लोगों का, जब सिख और जाट और पूरे हिंदुस्तान के नौजवान और किसान मजदूर जब बॉर्डर पे, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन चला रहे थे, तो वो विदेशों में भी इनके पक्ष में आंदोलन चलाने लगे, तो हमको पर जीवी प्राणी कहने लगे। आप जरा बताइए, जितने किसान लोग हैं उनकी व्यवस्था है, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, चाहे वो जाट समुदाय के लोग हों, सारी अपनी व्यवस्था से यहाँ की व्यवस्था की, भोजन पानी की, यहाँ कोई सरकार की तो व्यवस्था नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि सरकार ने हम लोगों को जेल में भी डाला है, इनडायरेक्ट में, चारों तरफ से बाउंड्री है, चारों तरफ से पहरेदारी है, और हमको खाने पीने के इंतजाम सरकार की नहीं है, हम किसानों की है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी लोग हैं, ऐसा हम नहीं मानते। हम किसानों की बदौलत चल रहे हैं, किसानों की बदौलत खा रहे हैं, किसान बदौलत रह रहे हैं, और ये बधाई के पात्र सिख समुदाय, जाट समुदाय के लोग। संजय जी, कुछ लोग कहते हैं कि किसानों को थकाया जा रहा है, ये अपने आप चले जाएंगे। देखिए, किसान थकने वाला नहीं है। एक बात जान लीजिए, सड़कें नहीं थकती हैं, राही थकता चाहे। किसान तो बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक खेतों और खलिहानों में काम करता है, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। किसान कहाँ थकने वाला है? किसान तो बरसात भी झेलता है और धूप भी झेलता है, किसान कर्ज भी झेलता है, किसान इस देश को सींचता भी है, और किसान सबको अन्न भी मुहैया कराता है। इसलिए किसान थकने वाला नहीं है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि माननीय कृषि मंत्री जी ये बात जानते हैं कि थक जाएगा, तो हम थकने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हम मारने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करने वाले लोग हैं।